Hey guys, Namaste, I'm Lijalin. Again, welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे. सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपने नहीं सोचा होगा कि मैं वो करती हूँ. बट या जैसे कि आप थंबनेल देख कर पता कर लिए होंगे कि क्या है आज के टॉपिक क्या है. एंड आप मुझे ऐसे देख कर भी ये कैसे कुछ मेकअप सेकअप नहीं कुछ नहीं ऐसे वैसे कैसे मतलब बैठिए. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाउ टू यूज़ रेजर, फेशियल रेजर. आप फेस में रेजर कैसे यूज़ करेंगे एंड उसके साथ साथ बहुत सारे डाउट्स है जो भी क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में. एंड या अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो उसी टाइम क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ एंड सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को श्योर हिट कर लेना है. एंड अगर आप मुझे सोशल साइट पर फॉलो करना चाहते हैं तो श्योर यू कैन डू, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो नाउ मूव ऑन टू द राहिल को भी बैकग्राउंड भी चेंज लग रहा होगा और क्योंकि मैं अलग एक रूम में कर रही हूँ, मेरे रूम में नहीं क्योंकि मेरे रूम में दी अभी सो रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर शूट करूँगी. अभी काफ़ी सारा वीडियो यहाँ पर ही आएगी क्योंकि अभी दी नहीं है, मेरे भाई नहीं है, तो उनकी रूम में मैं शूट कर रही हूँ. खाली है रूम तो और क्या करें. बैकग्राउंड को इग्नोर करें, बैकग्राउंड जैसा भी है ठीक है, कोई मतलब कोई बात नहीं है. ओके तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रोसेस. तो मैंने फेशियल रेजर 3-4 बार की है, ज़्यादा नहीं 3-4 बार की है और मैंने शेयर नहीं की थी. या अभी हम स्टार्ट करते हैं. मैं बस 10-15 दिन पहले की थी फेशियल, हेयर रिमूव की थी. तो अभी आप देख रहे हो ग्रोथ कैसा हुआ है. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखो यहाँ और यहाँ पर भी हेयर हो गई है अभी, ठीक है. तो अभी हम सेट करेंगे और क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फेशियल हेयर को. तो मैं जो रेजर यूज़ कर रही हूँ वो है ये फेशियल रेजर, ठीक है. तो ये है टिंकल फेशियल रेजर जो कि काफ़ी ट्रेंड में है और मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज की थी. ये सेम मतलब इसी पैकेट में रिसीव हुआ था मुझे और 3 सेट. आप इसकी भी लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको अगर चाहिए तो आप श्योर बाय कर सकते हैं. बट उससे पहले आप वीडियो देख लीजिए पूरा, देन आपको बाय करना है या नहीं करना है वो आप डिसाइड करेंगे. सो अभी हम करेंगे स्टार्ट. हो गए. सो फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले आपको कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगी, खास करके रेजर को लेकर जो स्टेप्स है वो मैं आपको बता देती हूँ. एक ही स्टेप है कि आप जब भी कोई भी फेशियल रेजर यूज़ करो उससे पहले आपको इसे वार्म वाटर में डिप करना है, क्योंकि बम्स होंगे तो इसीलिए आपको इसे वार्म वाटर में डिप करना है. आप उसमें डेटॉल भी ऐड कर सकते हैं वार्म वाटर में, कोई बात नहीं, बट आपकी मर्ज़ी. जो मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मैंने सिर्फ इसे वार्म वाटर में डिप किया था 5 से 7 मिनट तक, देन मैं इसे निकाल दी थी और ये अभी पूरी तरह से क्लीन है. अब मैं फेस में यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि फेस बहुत सेंसिटिव होता है, अगर कुछ इधर उधर हो गई तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है फेस, तो इसीलिए मेरे फेस में होता है ऐसे. तो ओके तो उसके बाद हम फेस को लेकर क्या करेंगे, मैं रेजर के बारे में बता दिया. अब हम फेस को कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे प्रिप करेंगे फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, मतलब फेस वॉश कर लेना है, ठीक है. ओके देन नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैंने यहाँ पर एक बाउल में वार्म वाटर रखा है, देख सकते हो, स्टीमिंग लेनी है. नेक्स्ट स्टेप में स्टीमिंग लेने के बाद आपको बताऊंगी, तो पहले मैं अभी थोड़ा सा स्टीम ले लेती हूँ. रेडी स्टेडी गो. तो ओके गाइस, तो हमारी स्टीमिंग डन. आप देख सकते हो
स्किन थोड़ी थोड़ी सी ग्लो कर रही है। ओके स्टीम हमें इसीलिए लेनी चाहिए क्योंकि हमारे जो पोर्स है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, और हम जब फेशियल हेयर रिमूव करेंगे वो आसानी से रिमूव हो जाएगी, तो इसीलिए आपको स्टीम लेनी चाहिए फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले। ओके ओके देन नेक्स्ट स्टेप ये है कि टोनर, आपको टोनर अप्लाई करना है अपनी फेस में, टोनर से आपकी फेस को क्लीन करना है। ये है टोनर जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ, तो ये है एल्फ्स गुडनेस की रोज टोनर या ओके टोनर। उसके साथ साथ आपको कॉटन पैड चाहिए जिसकी मदद से आप अपनी फेस को क्लीन करेंगे। ओके लेट्स स्प्रे। ओके अभी ये स्प्रे हो गया है और हम अभी फेस को क्लीन करेंगे क्योंकि फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले आपको अपने स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर लेनी चाहिए। ओके तो टोनर डन। ओके फोकस हो जाए। तो अभी जो थर्ड स्टेप है वो है अपनी फेस में आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है जो कि ऑयल बेस हो, नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी फेशियल ऑयल, ठीक है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं कहूँगी आप ये यूज़ करिए, ये है निविया की सॉफ्ट विटामिन ई लाइट मॉइस्चराइजर, क्योंकि इसमें ऑयली टेक्सचर है तो इसलिए अगर आप इसे यूज़ करोगे तो फेशियल हेयर ईजिली रिमूव होगा। अगर आप कोई भी जेल बेस क्रीम यूज़ करोगे तो फेस बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी, तो आप फेशियल हेयर रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो आप मॉइस्चराइजर के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। और फेशियल ऑयल के लिए मेरे पास है ये गुड वाइब्स की आलमंड फेशियल ऑयल जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको काफ़ी बार कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। ओके तो मैं अब यूज़ करूँगी ये फेशियल ऑयल, देन हम जाएंगे फेशियल हेयर रिमूव करने। थ्री ड्रॉप, वन ये टू ये थ्री, यहाँ पर थोड़ा सा अभी आप इसका मसाज करना है। ओके गाइस सो फेशियल ऑयल अप्लाई हो गई है, अब हम फेशियल हेयर रिमूव करेंगे और प्रोसेस अब भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ और वीडियो भी लंबा हो गया है। बेसिकली आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी फेशियल रेजर यूज़ करते हो अगर आपको यहाँ से क्लीन करना है तो यहाँ से आपको टाइट पकड़नी होगी अपनी स्किन को, नहीं तो कट लग सकती है। और इस फेशियल रेजर के बारे में बता देती हूँ, इसकी जो ब्लेड है वो आप देख सकते हो जिगजैग वाला है, देख सकते हो, मतलब ये प्लेन नहीं है, आपको प्लेन ब्लेड यूज़ नहीं करना है क्योंकि उससे कट लग सकती है आपकी फेस में, तो इसीलिए आपको ऐसे ही कोई रेजर यूज़ करना है जिसमें जिगजैग हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ से आपको रिमूव करना है वही जगह आपको ऐसे टाइटली पकड़ना है और ऐसे रिमूव करना है धीरे 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 करके। देख सकते हो आप क्या दे रहा है, एक मिनट मैं आपको आन में दिखाती हूँ। अभी आपको मतलब ऐसे अगर करूँगी नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगी फेशियल हेयर है, देखा। तो अभी हम धीरे धीरे क्लीन करते हैं, मैं मिरर देख के करती हूँ। अगर आप टाइटली से नहीं पकड़ सकते हैं तो आपको क्या करना है, मैंने अब जैसे कि ऐसे करना है, यहाँ पर अगर करना है ऐसे करना है, अगर यहाँ पर करना है तो इससे टाइटली पकड़ना है, ठीक है।
और यहाँ पर करना है ऐसे टाइटली पकड़ कर करना है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और आपको देखना पड़ेगा अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो। आपको हमेशा रेजर डाउनवर्ड कर यूज़ करना है, मतलब नीचे की तरफ यूज़ करना है, ऊपर की तरफ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे कट लग सकती है आपके फेस में। फेशियल हेयर रिमूव करने से क्या फ़ायदा आपको होगा ना, आप जब भी कोई भी फाउंडेशन को भी मेकअप अपने फेस में जब अप्लाई करते हो तो आपकी बेस ना फ्लॉलेस लगती है, बेस बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके फेस में हेयर हो तो आपकी फेस उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है हेयर की वजह से, आप खुद भी जानते होंगे। और उसके साथ साथ बहुत जल्दी फाउंडेशन ब्लैक पड़ जाती है। और फेशियल लेजर आप मंथ में 2 बार यूज़ करिए तो काफ़ी है, अकॉर्डिंग टू योर हेयर ग्रोथ आप यूज़ भी कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपके फेस में पिंपल है तो आपको उस एरिया को छोड़ देना है, क्योंकि पिंपल के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए ट्राई करते हो तो आप स्लोली स्लोली करो, मैं ये स्पीड में दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है। आप आईब्रोज को शेप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, मतलब कर सकते हो अगर आपको आती है तो, अगर नहीं आती है तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है इसके हेल्प से, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे करना नहीं आती है। तो आईब्रोज शेप में इसमें इसको यूज़ करके नहीं करती हूँ। सो गाइस, अब हमारी जो फेशियल हेयर है वो रिमूव हो चुकी है एंड आप खुद देख सकते हो फेस, मतलब बहुत ही मतलब नीट एंड क्लीन लग रही है। ओके, सो अब मैं जाती हूँ फेस वॉश करके आती हूँ, उसके बाद क्या स्टेप फॉलो करनी है मैं आपको बताती हूँ। ओके, सो फेस वॉश डन, मेन सिर्फ पानी से आपको फेस वॉश करना है, फेस वॉश नहीं करना है। वाओ, सिर्फ पानी से ही करना है और इसे डाप करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप ये है कि आपको मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, आप मतलब मॉइस्चराइजर को भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ ये निविया की सॉफ्ट फैट मनी मॉइस्चराइजर, आप कुछ भी जैसे कि मैंने कहा यूज़ कर सकते हैं। स्किन को ड्राई नहीं रखना है आप तो जब फेशियल हेयर रिमूव करते हैं, तो इसीलिए मॉइस्चराइजर अप्लाई करना मस्ट है। हमारी फेशियल हेयर रिमूव हो गई है एंड उसके साथ साथ स्किन भी क्लीन हो चुकी है एंड आप देख सकते हैं खुद फॉरहेड, हेयर बिल्कुल नहीं है क्योंकि सब रिमूव हो गई है। बट मैं भूल गई आपको बताना कि आपको फेशियल लेजर के साथ क्या करना है। आप फेशियल लेजर जब यूज़ करते हो उससे पहले आपको वार्म वाटर में डिप करना है और यूज़ करने के बाद भी वार्म वाटर में डिप करना है। तो मैंने इसे ऑलरेडी डिप कर ली है और क्लीन करके रखना है क्योंकि आप दोबारा यूज़ कर सको। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है जो मैं अभी क्लियर करूँगी। फर्स्ट है ये है कि फेशियल लेजर यूज़ करना सही है या नहीं है। मेरी जो ओपिनियन है वो है हाँ सही है, क्योंकि इसलिए कह रही हूँ आप जब भी फेशियल लेजर यूज़ करो तो वो आपकी मतलब स्किन के ऊपर से जो हेयर है वो रिमूव करता है, अंदर से रिमूव नहीं करता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड ब्लीच करना और लेजर यूज़ करना, ये दोनों में क्या फ़र्क है और ये दोनों सही है या नहीं, मेरे लिए कहूँ मतलब मैं मेरी ओपिनियन दे रही हूँ कि फेशियल लेजर यूज़ करना अच्छी बात है, ब्लीच करना मतलब फेस में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यार वो आपकी फेस के अंदर जो हेयर की जो रूट्स है वो क्लीन कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी मतलब आप जब धूप में जाते हैं ना तो जो बैड इफ़ेक्ट्स है वो डायरेक्ट आपकी स्किन में पड़ता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मेरे लिए तो मैं कहूँगी फेशियल लेजर यूज़ करना अच्छी बात है, आप अपनी पास में रख लो, जब मन करे तब आप फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हो, लेजर यूज़ कर सकते हो एंड आपको मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट डाउट ये है कि अगर आप फेशियल लेजर यूज़ करोगे फेस में तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके हेयर मोटे मोटे हो जाएंगे
और बड़े बड़े भी मतलब हेयर आएंगे। आपको मैंने अभी दिखाया कि मेरी स्किन कैसी थी, कुछ भी नहीं होता है। मैंने खुद यूज़ किया और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और काफ़ी सारा मेकअप वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आपने देखा होगा मेरी फेशियल हेयर की ग्रोथ कितनी है, देखा है ना। तो वैसा कुछ नहीं कि हेयर मोटा हो जाएगा, हेयर लंबी लंबी हो जाएगी, फेस ऑड हो जाएगी हेयर ग्रोथ की वजह से, वैसे कुछ भी नहीं होता है। आपकी नॉर्मल हेयर ग्रोथ जितना है उतना ही होगा, और डे बाय डे आप जितना यूज़ करोगे वो हेयर ग्रोथ कम होती जाएगी, पर हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। तो मैंने जितना मतलब मेरे जैसा जितना हुआ है जैसा हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे कुछ नहीं होगा, फेशियल रेजर यूज़ करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये बहुत ही अच्छा है आपकी फेस के लिए। कोई भी बैड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, आप अगर सही टेक्निक से यूज़ करो, सही स्टेप्स फॉलो करो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टेप्स आप अगर फॉलो करोगे तो ठीक रहेगा आपकी स्किन के लिए, और स्किन कोई भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो मैं मेरी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर की, मेरी जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताई। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है एंड मुझे इसे कट करके देना पड़ेगा, और मैंने अभी जस्ट लॉन्च करके बैठी हूँ इसीलिए ऐसे हो रहा है। जो जो भी अभी उठ गया है उसे बाहर लेकर जाना पड़ेगा। ओके, सो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ यूज़फुल लगा, इस वीडियो को श्योर लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर देना है, उसे हिट करना मत भूलना। एंड या अभी मैं एंड करती हूँ वीडियो को यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपसे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय।